नमस्कार दोस्तों, INC TV पे आज हम एक बड़ा खुलासा करेंगे और खुलासा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टेरा से कांग्रेस के विधायक श्री राजेंद्र सिंह राणा हैं। ऐसा खुलासा जो हिंदुस्तान में शिक्षा की नीति, शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर है। फेक डिग्री, इसकी चर्चा ढेर आपने सुने होगा, जगह जगह सुना होगा। मध्य प्रदेश में आपने व्यापम सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, फर्जी डिग्री बेचने का घोटाला है। कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, इस पर उन्होंने ढेर सारा रिसर्च किया हुआ है, एक एक पेपर्स को पढ़ा है। और इस घोटाले को आप अगर सुनेंगे तो आपको शरीर में कंपन आ जाएगी कि फेक डिग्री को बेच के हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, हिंदुस्तान के जो भविष्य की पीढ़ी है, उसके ऊपर कितना बड़ा धोखेबाजी, धोखाधड़ी हुई है। तो ये पर्दाफाश आपको आज राजेंद्र सिंह राणा जी, जो माननीय विधायक सुजानपुर टीरा से हैं, वो आज बताएंगे। राणा साहब, UGC तो वैसे फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालती है, लेकिन वो देखते हैं हमेशा एक कागजी कार्रवाई होती है। आपके हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको नियमों की ताक के बगैर रख के, सब नियमों को इधर उधर करके उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया, और एक आदमी जो लैब चलाता था वो यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया, मालिक बन गया, और फर्जी डिग्रियां, तकरीबन कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमेशा कांग्रेस जो है इस बात के जो है खिलाफ रही है कि ये जो शिक्षा के नाम पर व्यापारीकरण जो हिमाचल प्रदेश में 2008 में शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, और उस समय जो है ये व्यापारीकरण जो है, इसके लिए विधानसभा में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक्ट लाया गया। और एक्ट लाने के बाद बड़ी हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर सारा विश्वविद्यालय जो है प्राइवेट सेक्टर में खोल दिए गए। आप हैरान होंगे कि एक एक पंचायत में, एक पंचायत में तीन विश्वविद्यालय, माना जा सकता है कि एक पंचायत में जो है वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, एक प्लस टू स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर तीन विश्वविद्यालय एक पंचायत में जो है वो प्राइवेट सेक्टर में खोले गए। और अंततः हुआ कि 2008 में यहाँ पर एक सोलन में जो मानव भारती विश्वविद्यालय है, और उसके लिए जो मालिक थे इसके यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अप्लाई किया, और सरकार ने जो है इस मामले को कैबिनेट में लेके आई, और कैबिनेट में जो है मामला रिजेक्ट हो गया। क्योंकि जब ये एक्ट आया तो उस एक्ट में जो है ये शर्तें तय थी कि कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में खोलना चाहता है तो उसके लिए जो है वो 50 बीघा ज़मीन जो है वो जरूरत थी कि 50 बीघा ज़मीन उसके पास होनी चाहिए। इनके पास 30 बीघा ज़मीन थी, और 30 बीघा ज़मीन होने के नाते इनका जो मामला है वो रिजेक्ट हो गया। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि 2009 में जब इसको परमिशन, इसको मानव भारती विश्वविद्यालय को दी गई, उसमें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और सभी विश्वविद्यालय जो सोलन में खोले गए, चाहे कांगड़ा में खोले गए या कहीं और दूसरे जिला में खोले गए, वो 2007 से लेकर 12 तक जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसमें दी गई। हम बार बार ये पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर मामला कैबिनेट में रिजेक्ट होने के बाद, 30 बीघा ज़मीन होने के बाद, जिसकी ज़रूरत 50 बीघा थी, उसके बावजूद भी इस विश्वविद्यालय को जो है वो परमिशन दी गई, तो इसके पीछे क्या लेन देन हुआ? और अंततः हुआ क्या कि उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से लाखों की तादाद में डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां बांटी गई। आप देखिए कि ये डिग्रियां हिमाचल प्रदेश में नहीं बांटी गई, ये डिग्रियां हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहुंची, और सभी राज्यों के होते हुए विदेशों में भी पहुंची। और जब ये इसका खुलासा हुआ, और इसमें जो था, अभी जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, अभी उन लोगों को सरकार ने जो है, शायद मुझे लगता है कि मामला इतना बड़ा मामला कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का आंकलन किया जा रहा है कि फर्जी भरा हुआ है। जो व्यक्ति 1989 में 10वीं कक्षा पास करके एक लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा करके हिमाचल प्रदेश में 96 में आता है, और एक प्राइवेट जिसको कहते हैं वोकेशनल कोर्सेज उस समय शुरू हुए थे, तो वो 3 वोकेशनल कोर्सेज खोलते हैं जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन, उसमें भी 420 का मुकदमा जो है राजकुमार राणा नाम का व्यक्ति जो कि जो है इसे
हरियाणा के जो करनाल से संबंध रखता है उसके ऊपर दर्ज हुआ, उसके बाद फिर वो करनाल चला जाता है, करनाल जाके फिर जो अपना काम शुरू करता है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में आता है। तो 30 बीघा ज़मीन होने के बावजूद भी उसको जो परमिशन, हम बार बार इस बात की जिक्र कर रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर किसने ये लेन देन किया, और इतना बड़ा फर्जी बाड़ा मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में इससे पहले कोई नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश तो देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर जो है लोग जो है भोले भाले हैं, और इस राज्य में अगर ऐसा फर्जी बाड़ा हुआ है और सरकार ने अभी पिछले सेशन में जब विधानसभा में मामला उठाया था तो उसमें जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इसकी एक SIT का गठन किया जिसमें 19 मेंबरी कमेटी बनाई गई और चार लोग पहले गिरफ्तार थे, दो लोग और गिरफ्तार हुए और उनको जमानत हो गई। इसका मतलब सरकार ने ठीक तरीके से प्लीड नहीं किया, सरकार कुछ अपने लोगों को बचाना चाह रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इसके लिए स्पेशल कमीशन बैठाए या फिर इसकी CBI से जांच कराए, और जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है इसमें जो है स्कंजे में फंसेंगे और सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। जिस व्यक्ति का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक संदिग्ध रहा हो, उसके ऊपर पर्चे दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई हों, और उस व्यक्ति ने जो है पहले भी ऐसे काम किए हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसी यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त जो दी गई, ये निश्चित तौर पर मेरा दावा है अगर जांच होगी तो बहुत सारे लोग इसमें मगरमच्छ पकड़े जाएंगे और इसमें भारी लेन देन हुआ है। मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बाकी भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी जाँच होनी चाहिए कि वहाँ भी तो ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। और इस व्यक्ति ने जो एक प्राइवेट लैब चलाता था, उसके बाद उसने एक कोचिंग सेंटर चलाया, आज वो अरबों रुपए का मालिक ऐसा बन गया। उसके बाद जो है उसने जो है राजस्थान में 100 बीघा जमीन लेके माधव विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी। तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा होना देश इससे बड़ी देश के साथ कोई गिरदारी नहीं हो सकती है। देशद्रोह से बड़ा मामला इससे कोई बनता नहीं, इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता। एक व्यक्ति PhD करते करते उसके सिर के बाल झड़ जाते हैं, उसके पेरेंट्स जो है वो लोन लेके कर्जदार हो जाते हैं, बैंकों में जमा पूंजी जो है वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च की जाती है, और यहाँ एक व्यक्ति जाता है, कई हज़ारों व्यक्ति ऐसे जाते हैं जो पैसे यूनिवर्सिटी में देते हैं और जाके डिग्री लेके आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अगर भ्रष्टाचार को नहीं दबाना चाह रही है तो सरकार को निश्चित तौर पर जो है इसकी CBI से जांच करानी चाहिए, स्पेशल कमीशन बैठा के इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए राणा साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटी, एक और वो भी हिमाचल में जी। और सवाल ये भी उठते रहे हैं, बार बार उठते रहे हैं, हमने अखबार में भी पढ़े हैं कि फर्जी डिग्री जो है उस मामले में ये जो यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 है और इसकी जाँच पर कहीं ना कहीं पर्दा किया गया है। आपने कहा ये भाजपा शासित राज्य है, इससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षा का ये व्यापारीकरण है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव, रुचि सोया का किस तरह से, इसका कुछ दिन पहले हम लोगों ने खुलासा किया था कि किस तरह से रुचि सोया में गड़बड़ी करके रामदेव जो हैं वो उतने बड़े व्यापारी बन गए। तो ये शिक्षा का व्यापारीकरण साफ दिखता है। सवाल ये है कि ये फर्जी डिग्री जो लिए हैं जिन बच्चों ने, किसी ने पैसे तो ट्रांजेक्शन हुए हुए जी, मामला CBI से आगे तो ED का भी बनता है। बिल्कुल, हमने पिछले विधानसभा में ये मामला उठाया था कि इसकी CBI से भी जांच हो और इस मामले को ED को भी दिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस मामले को दबाया गया। क्या सरकार जो है भ्रष्टाचार को दबाना चाह रही है या सरकार के से जुड़े लोग इसमें स्कंजे में फंसने वाले हैं? इशारा किसकी तरफ है आपका, कुछ इशारा बता सकते हैं? देखिए मैं तो इशारा सीधे सीधे तौर पर ये कह रहा हूँ कि जो लोग सत्ता में थे, जिन्होंने उस वक्त जो लेन देन किए हैं और जिसके अगर इंक्वायरी होगी तो निश्चित तौर पर जो परतें जो खुलेंगी। और देखिए ये जो जब मामला ये पिछले, वैसे मैं जो रिसर्च करके आया हूँ, यूनिवर्सिटी उस वक्त बनी थी जब हिमाचल में भाजपा की सरकार थी और इसका क्लियरेंस जो है वो श्री प्रेम कुमार धूमल जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके दौरान हुआ। निश्चित तौर पर 2007 दिसंबर से लेकर 2012 दिसंबर तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में सरकार थी। हम किसी पे उंगली नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों पे उंगली कर रहे हैं कि जो उस समय सरकार में थे
किसने कैबिनेट में मामला रिजेक्ट होने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी को इजाजत दी। इसकी जो पिछली बैकग्राउंड थी व्यक्ति की वो पूरी तरह संदेहजनक थी और उसके ऊपर कई मामले थे, उसके बावजूद भी दी गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस समय जो है मोटा लेन देन हुआ है और मोटा लेन देन हुआ और सरकार इसको दबाने की कोशिश किया कर रही है। मैं निश्चित तौर पर ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि इस मामले को सरकार जो है वो पता नहीं क्यों बचाने की कोशिश कर रही है और इस मामले को हम फिर से विधानसभा में हमने नोटिस दिया, इसको कल से फिर से विधानसभा शुरू होने वाली है, हम इस मामले को फिर से उठाने वाले हैं और सरकार को इसको चाहिए। नहीं तो मैं साफ साफ तौर पर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लेके जाऊंगा, धरने भी करूंगा, प्रदर्शन भी करूंगा, क्योंकि इस मामले से जुड़े बहुत सारे लोग जिनको फर्जी डिग्रियां दी गई हैं और जिन्होंने पैसे देकर डिग्रियां ली हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनका भविष्य अंधकार में होगा, कई लोगों ने सुसाइड कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला है और हिंदुस्तान में इससे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में फर्जी बड़ा नहीं हुआ होगा। तभी मैंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के व्यापम से बड़ा घोटाला है, इतनी ज़्यादा फर्जी डिग्रियाँ बेची गई, कानून को ताक पे रखकर उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया जैसे आपने कहा, और वो कागज भी हम देख रहे थे कि 30 बीघे की जमीन में यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दिया गया, कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी बनी। अब जिन बच्चों की जो डिग्रियां थी उनका भविष्य तो अंधकार हो गया, जिस तरह से व्यापम में सबका भविष्य अंधकार में हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप CBI की तो मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार तो CBI के जब भी कोई डिमांड होती है अपोजिशन करता है वो ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, ये तो आपको सड़कों पे ले आना पड़ेगा। देखिए मैंने कह दिया है कि इसको विधानसभा में भी इस मामले को उठा रहे हैं, अगर सरकार ने जो कल्प्रिट है, जो मुलजम है इसके पीछे, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो ये मामला सड़कों पे भी जाएगा और गांव-गांव में भी जाएगा और जिला लेवल पे भी इसके प्रदर्शन किए जाएंगे। मैं निश्चित तौर पर कोई साथ चले ना चले मैं तो इस मामले को उठाने वाला हूँ क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मामला है। ये हिमाचल प्रदेश जैसी भूमि जहाँ जिस भूमि को देवताओं की भूमि कहा जाता है, देवता जहाँ बास करते हैं वहाँ ऐसे ऐसे कृत्य किए जाएँ तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए एक लैब टेक्नीशियन राणा साहब उसका इतना बड़ा हाथ नहीं हो सकता है यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री का कारोबार चलाना, इसके पीछे कहीं ना कहीं नौकरशाह और राजनेता जरूर होंगे। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी इसके पीछे हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो आदमी 10वीं क्लास पढ़ा हो और उसके बाद लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहा हो और उसके पास आज दो दो PhD की डिग्रियां हो तो खुद, वो खुद डिग्रियां ले ली, खुद डिग्रियां और डॉक्टरेट की उपाधियां साथ में लगाई हो तो इस देश के नौजवान उन नौजवानों को और दिल के क्या गुजर रही होगी जिन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है पढ़ाई करने में PhD करने में लगा दिया। ये देश में बहुत बड़ा घोटाला है और ये जो सरकार है इसको मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए वैसे जहां तक डिग्रियों की बात आती है तो हम देखते रहे हैं कि फर्जी डिग्रियों पे कई बड़े नेताओं के, केंद्र के नेताओं के नाम भी आते रहे, चलिए उस पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो घोटाला है जो आप बता रहे हैं ये केवल मानव जो यूनिवर्सिटी है केवल सोलन तक नहीं सीमित होगी, मुझे लगता है कि इसका दायरा और भी होगा, उस कार्यकाल में और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे परमिशन दिए गए होंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा व्यापार करने का, देखो जैसे किसी मोहल्ले में दुकानें खुल जाती हैं वैसे यूनिवर्सिटियाँ खोल दी, इसके पीछे कौन था, किसने खोली, क्या मनसा थी, क्या लेन देन हुए, हम इस बात को कह रहे हैं। और दूसरा इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाकी के जो विश्वविद्यालय हैं उन पर भी शक जो है वो जा रहा है, शिमला में भी एक विश्वविद्यालय बिक गया, क्या इसके पीछे हो रहा था, और बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये जो है शिक्षा के नाम पर व्यापारीकरण शुरू कर दिया और ऐसा व्यापारीकरण शुरू किया कि देश में पूरे देश में और विदेशों में भी हिमाचल की बदनामी की जा रही है। देखिए जहाँ तक शिक्षा हिमाचल की बात हम करें तो हिमाचल का जो युवा है वो अपनी भविष्य का जो सपना देखता है वो हिमाचल से बाहर आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता है, फिर साउथ की तरफ भी जाता है और अपना नाम कमाता है। लेकिन उसी हिमाचल में अब डिग्रियां बिक रही हैं, आप सोचिए उस उन युवाओं के मानसिकता पे कितना असर पड़ रहा होगा कि हमारे राज्य में हम बाहर शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी शिक्षा की उपाधि के लिए बाहर जाते हैं और हमारे राज्य में लोग आकर शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ईमानदार राज्य है, युवा जो है वो बहुत सीधा साधा है, तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल का ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा जो अभी तक कागजों में दबा है।
देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर टू पे राज्य है, और यहाँ लोग जो हैं ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं। और मैं बार बार इसको बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जो फर्जी डिग्रियों का जो फर्जीवाड़ा है, इसका जो मुख्य जो केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश के, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में डिग्रियाँ चली गई और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जो है स्लिप्ट पाए गए। और मैं कहता हूँ कि जब से हमने ये इंक्वायरी की मांग करी, SIT का गठन हुआ, उसके बाद भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर जो है वो जो है क्या नाम इसका हुआ क्या। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने निकल कर आएंगी। सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है और हम इसको दबने नहीं देंगे। चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, हम इसकी लड़ाई सड़कों पे भी लड़ेंगे, जनता के बीच भी लड़ेंगे, और जो लोग इसमें जो मुलजम लोग हैं, जो लोग इसमें दोषी हैं, उनको जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद INC TV से बात करने के लिए राणा साहब, और उम्मीद करते हैं कि हम भी इस पूरा जो ये घोटाला हुआ है इसका हम पर्दाफाश करेंगे, और वो जो नाम है, बड़े बड़े नाम, नेताओं के नाम, नौकरशाहों के नाम, जब वो उजागर होंगे तो वो नाम जो है वो विधानसभा में तो आएंगे, उससे पहले हम आपको ज़रूर बताएंगे। और देखते रहिए आप INC TV में, इस खुलासे को हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।